अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ए आई ओ यू एच डी के एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। वक्त ज़ाया किए बगैर आपके मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं नाम बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं। अहसन तकवीम नाम है सबसे पहले स्टूडेंट जिसने कमेंट किया, इसके बाद है राना मुबीन है और काफ़ी लंबी इनकी आपस में ही गपशप हो रही है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, राना मोहसिन की, राना मुबीन की और अहसन तकवीम की। अच्छा, इसके बाद हैं ए एच विलोग्स और सादिया अब्दुल्ला हैं, फरजन जफ़र अहमद हैं और दिलशाद हुसैन हैं, इसके बाद अख्तर अली हैं, शेराज सहरी हैं और ज़ियाउल्ला हैं। इसके बाद इनमें भी आपस में काफ़ी गुफ्तगू हो रही है और समी काजी हैं। सबसे पहले जो कमेंट था जिनका नाम मैंने आपको बताया था उनका कमेंट देख लेते हैं। अहसन तकवीम, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैच टू वर्कशॉप शेड्यूल में मेरे कोर्सेज 8601 और 8604 मेंशन है, जबकि मेरे LMS पोर्टल पर मुझे सिर्फ 8604 का ही शेड्यूल शो हो रहा है, काइंडली इसका बता दें। अच्छा, होता ये है कि आपके जो LMS पे जो वर्कशॉप शेड्यूल हो जाती हैं वो आपके LMS पे आ जाती हैं, अपडेट हो जाती हैं। जो शेड्यूल नहीं होती वो आपके LMS पोर्टल पे अपडेट नहीं होती। उम्मीद है कि क्योंकि आपने एक दिन हो गया कमेंट किया हुआ है तो अपडेट हो चुकी होगी। अगर फिर भी नहीं हुई तो बताइएगा, फिर चेक कर लेते हैं कि अभी तक आपकी वर्कशॉप शेड्यूल क्यों नहीं हुई। होता वही पहली वाली बात कि जब आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हो जाती है तो अपडेट हो जाती है, आपके पोर्टल पे आ जाती है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एच व्लॉग्स के नाम से हैं, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूज़र नेम एंड पासवर्ड का मैसेज नहीं मिला, ओल्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड से भी नहीं हो रहा। आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड इनकोरेक्ट आ रहा है तो कोशिश करें कि आप अपने रीजनल ऑफिस विज़िट करें और वहां से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रीसेट करवा लें। होता यह है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका यूज़र नेम और पासवर्ड फर्स्ट टाइम इनकोरेक्ट आ रहा होता है और वो जब रीसेट करवाते हैं तो उनका यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक हो जाता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फेसबुक पे कमेंट किया था और उनको मैंने पासवर्ड रीसेट करने का मशवरा दिया और जब रीसेट हुआ तो उनका अकाउंट ठीक हो गया और लॉगिन हो गया। इसके बाद हैं हमारे पास सादिया अब्दुल्ला, उन्होंने कमेंट किया अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी वर्कशॉप का शेड्यूल शो हो गया है बट यूनी की तरफ से कोई SMS नहीं आया और LMS पोर्टल भी लॉगिन नहीं हो रहा। अच्छा, तो आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हो चुकी है और आपके LMS पे भी आ चुके हैं, लेकिन आपके पास अगर यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ @AIOU.edu.pk लगाएं तो आपका यूज़र नेम बन जाता है और पासवर्ड आप अपने रीजनल ऑफिस से कन्फर्म करें, कॉल करें या फिर विज़िट करके अपना पासवर्ड वहाँ से आप लें और अपनी वर्कशॉप जो है स्टार्ट करें। जब से भी आपकी वर्कशॉप स्टार्ट है, पहला बैच 26 से स्टार्ट था और दूसरा बैच जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये आप लाजमी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद है दिलशाद हुसैन, उन्होंने कमेंट किया व्हेन वी यूज़ यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड इन MS टीम देन ट्रबल टू लॉग इन शो हो जाता है। यूज़र नेम और पासवर्ड को आप एक दफ़ा फिर से पासवर्ड अपना रीसेट करवा लें। रीसेट करवाने के बाद आप चेक करें कि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा आती है या नहीं आती, या फिर होता ये है कि आपने कोई और अकाउंट लॉगिन किया होता है और आप उसके बाद ये भी लॉगिन कर रहे होते हैं और ये वाला मैसेज आता है। अगर फिर भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप अपना पासवर्ड लाजमी रीसेट करवाएँ और फिर चेक करें। अख्तर अली हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। MS टीम में पासवर्ड और अकाउंट इनकोरेक्ट बता रहा है। अच्छा, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप कह रहे हैं कि इनकोरेक्ट बता रहा है, आपके लिए भी वही कि आप एक बार दोबारा से सतारदा वीडियो में आ गए आप। अच्छा ठीक है, बस आप ऐसा करें कि पासवर्ड एक बार रीसेट करवा लें और फिर लॉग इन करके चेक करें कि क्या आपको मैसेज आता है। उम्मीद है रीसेट करने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद हैं शेराज सहरी, इन्होंने कमेंट किया सर MS वर्ड पे आता है कि इंटर कोड वी जस्ट सेंट यू, लेकिन मुझे कोड रिसीव नहीं हुआ, होता ना ईमेल पे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोड आएगा ईमेल पे या फ़ोन पे, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट लगाने की वजह से आपको ये मैसेज आता है। आप एक बार अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं या फिर सिस्टम पे तो MS टीम को डिलीट करके दोबारा से उसको लॉगिन करें, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको LMS के लिए आया था वही इंटर करें। CMS पोर्टल वाला इंटर नहीं करना,
और फिर चेक करें, उम्मीद है कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद है ज़ियाउल्ला, 1 जनवरी से मेरे वर्कशॉप में शेड्यूल है बट माइक्रोसॉफ्ट टीम लॉगिन नहीं हो रहा, फिर वही प्रॉब्लम, लॉगिन नहीं हो रहा, पासवर्ड रीसेट करवाएं एक बार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। ज़्यादा स्टूडेंट का ये होता है कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा होता है और जब आप उसको रीसेट करवाते हैं तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं अच्छे तरीके से दे चुका हूं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने कमेंट करना है।